नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम के बदलने के साथ ही ठंड महसूस होनी शुरू हो गई है। वहीं दक्षिण भारत में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जोरदार बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में भी तापमान सामान्य से नीचे आ गया है और ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है कि अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु में जोरदार बारिश होगी और इस वजह से उत्तर भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश का असर आसपास के राज्यों में भी रहेगा, जिसके कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश के आसार हैं। दरअसल तमिलनाडु में इस वक्त पूर्वोत्तर मानसून एक्टिव है और इसी कारण वहां पर बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर मानसून की सक्रियता अक्टूबर से दिसंबर तक की होती है। वैसे जहां दक्षिण का ये हाल है, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ के तापमान में भी अब कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 और 2 नवंबर को हिमाचल, कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जिसके कारण तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा और सर्दी बढ़ेगी। IMD के मुताबिक दिवाली के बाद कई राज्यों में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर से ठंड में तेजी आएगी और इस बार लालीना के कारण सर्दी काफी बढ़ेगी। तो वहीं मौसम की जानकारी देने वाले निजी एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल के साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के तापमान में कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।